हेलो एवरीवन, ये वीडियो थॉमस डी क्विंसी के एक फेमस एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ से रिलेटेड है। थॉमस डी क्विंसी एक फेमस इंग्लिश राइटर, ट्रांसलेटर, जर्नलिस्ट और एसेइस्ट थे रोमांटिक पीरियड के, और उनका जन्म एक रिच मर्चेंट फैमिली मैनचेस्टर में हुआ। उन्होंने अपना जो प्राइमरी एजुकेशन वो मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल से लिया और हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। उनका जो भी लिटरेरी वर्क है वो मोस्टली लंदन मैगजीन और ब्लैकवुड मैगजीन में पब्लिश हुआ। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, द रेमिनिसेंसेस ऑफ द इंग्लिश लेक पोएट्स एंड ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। थॉमस डी क्विंसी का ये जो एस्से है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ एक क्रिटिकल एस्से है जो कि लंदन मैगजीन में अक्टूबर 1823 को पब्लिश होता है। और ये जो एस्से है ये मेनली डील करता है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजडी मैकबेथ में जो एक्ट टू है, सीन थ्री है, उससे रिलेटेड है। ये मैकबेथ को विलियम शेक्सपियर के फोर ग्रेट ट्रेजडीज में जगह मिला है। जो अदर ट्रेजडीज है उनके फोर ग्रेट ट्रेजडीज में, जिसमें हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ, ये चारों फोर ग्रेट ट्रेजडीज कहलाते हैं शेक्सपियर के। सो द प्ले, अभी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर इस मर्डर सीन में, ये एक्ट टू और सीन थ्री में जो मर्डर होता है वो, और वो कितना इंस्पायर करता है थॉमस डी क्विंसी को जिसपे ये इससे लिखे हैं। सो अभी हम लोग थोड़ा मैकबेथ के स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। सो द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव स्कॉटिश जनरल मैकबेथ। मैकबेथ जो प्ले है, सो मैकबेथ कैरेक्टर भी है और उस प्ले में वो सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट के रूप में है, और वो एक ब्रेव स्कॉटिश जनरल रहता है और बहुत ही एम्बिशियस रहता है, और यही एम्बिशन उसके डाउनफॉल का रीजन बनता है। जब वो वार से लौट रहा होता है उसी समय तीन विचेस प्रोफेसी करती है, भविष्यवाणी करती है कि वो स्कॉटलैंड का नेक्स्ट किंग होगा। और जब मैकबेथ वहाँ से वापस आता है तो सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है, लेडी मैकबेथ को, और लेडी मैकबेथ इनकरेज करती है कि तुम तभी किंग बन पाओगे जब तक ये तुम जो प्रेजेंट किंग है उसको जब तक तुम मारोगे नहीं या फिर उसका डेथ नहीं होता है। एंड देन मैकबेथ किल्स किंग डंकन व्हाइल ही वाज स्लीपिंग फॉर हिज थ्रोन। और उसके बाद मैकबेथ जो उस समय स्कॉटलैंड के जो किंग रहते हैं, किंग डंकन, उसका वो किलिंग कर देते हैं जब वो सो रहे होते हैं। सो दे सेज टेक द मर्डर सीन ऑफ द किंग डंकन एंड द पोर्टर सीन सीरियसली। और यही जो मर्डर सीन है किंग डंकन का, उसी को ये सीरियसली लेते हैं थॉमस डी क्विंसी और इसी पे ये एसे कंपोज करते हैं। बिफोर द मर्डर सीन ऑफ किंग डंकन, या एज ए रीडर या स्पेक्टेटर्स, हम लोग अवेयर होते हैं कि अब किंग डंकन को मार दिया जाएगा। एंड किंग डंकन विजिट मैकबेथ एज हिज गेस्ट। सो किंग डंकन मैकबेथ के यहाँ गेस्ट के रूप में आते हैं एंड ही इज एन इंडली फादरली फिगर, और वो काफ़ी मैकबेथ को पसंद करते हैं और उनके लिए उनसे एज में भी बड़े हैं और एज ए फादर के रूप में और मैकबेथ को अपने सन के रूप में व्यवहार करते हैं। And he treats Macbeth as his own son. At night, having dinner, King Duncan sleeps in his chamber, and Macbeth and Lady Macbeth plans to kill the king. उसके बाद जब King Duncan अप डिनर करके सोने चले जाते हैं, उसके बाद Macbeth और Lady Macbeth प्लान करते हैं कि कैसे King Duncan को मार दिया जाए। When they approach to King's chamber, they hear the guarding porter saying knock, knock, knock. और जब ये लोग मारने के लिए जाते हैं तभी मैकबेथ नॉकिंग साउंड सुनता है टू अवेयर द किंग्स गार्ड। हालांकि जो पोर्टर्स है, जो गार्ड से, वो ऐसा चिल्लाते हैं ताकि किंग का के जो गार्ड है वो चौकन्ने रहे। सो द नॉकिंग साउंड अवेयर्स मैकबेथ, बट एट लास्ट मैकबेथ स्टेप्स द स्लीपिंग किंग। ये जो नॉकिंग साउंड है वो भी मैकबेथ को अवेयर करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, लेकिन फाइनली वो किंग डंकन को मार देता है उसको उसके स्लीपिंग में। एंड लेडी मैकबेथ प्लेसेस द नाइफ टू द स्लीपिंग गार्ड्स ऑफ द किंग, और लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ है, वो जिस नाइफ से स्टैबिंग करता है किंग डंकन का, उसको वहीं जो किंग का गार्ड रहता है सोए हुआ है नशे में, उसके पास रख देता है ताकि जो मर्डर का चार्ज है वो उस पर लग सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैकबेथ अराइव्स एंड गोज टू सी द किंग, ही फाइंड्स किंग डंकन्स डेड बॉडी। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैकडफ आता है वहाँ पे, एक और कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है उस प्ले का, और आता है, तब जाकर के उसे पता चलता है कि किंग डंकन का डेथ हो गया है।
इन द एसे अब हम लोग बात करते हैं कि क्या है एसे में. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ द एसे स्टेट दैट किंग डंकन्स मर्डर इज एबनॉर्मल. सो थॉमस डी क्विंसी के हिसाब से ये जो मर्डर है किंग डंकन का वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है. टू जस्टिफाई इट ही प्रेजेंट्स द फॉलोइंग रीजन इन दिस एसे. अब वो कैसे बता रहे हैं कि एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल मर्डर नहीं है. इसके लिए उन्होंने कुछ मतलब वो सारे चीजों का डिस्कशन किया, लेकिन कुछ जो 5 पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो यहाँ है आपके सामने. सो पहला है द मर्डर रिफ्लेक्ट्स अपॉन द मर्डर. सेकंड, डेकन्स मर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ मर्डर. थर्ड, डायलॉग्स एंड सोलिलोक्वी इन मैकबेथ एंड मर्डर एंड मर्डर शुड बी इंसल्टेड एंड नॉकिंग एट द गेट इज हर्ट. अभी हम लोग बारी बारी से इन पांचों पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. सो पहला है द मर्डर मर्डर रिफ्लेक्ट्स अपॉन द मर्डर. सो द क्रिटिक्स इज दैट जनरली एनी मर्डर इज कमिटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ वंस डिजायर एंड वेन इट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लान द मर्डर फील्स रिलैक्स. सो कोई भी मर्डर होता है उसके पीछे ये होता है ताकि किसी का भी कोई डिजायर है वो फुलफिल हो जाए, और जब ये हो जाता है देन द प्लान एंड द मर्डर फील्स रिलैक्स. उसके बाद जो भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है या जो मर्डरर है उसके बाद वो रिलैक्स करता है. बट इन केस ऑफ मैकबेथ इट्स क्वाइट डिफरेंट बिकॉज ही किल्स एन एल्डरली एंड फादरली किंग इन हिज ऑन कैशन. लेकिन मैकबेथ के केस में ये डिफरेंट है क्योंकि वो उस किंग को मारा है जो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था, और वो बूढ़ा भी था. उसको मैकबेथ मारा है एज अ ब्रेव सोल्जर होते हुए. तो ये चीज उसके दिमाग को उसको बहुत परेशान करता रहता है कि एक तो वो एक एल्डरली फादरली फिगर को मारा, दूसरी बात कि वो बूढ़ा था और खुद वो सोल्जर था, ब्रेव सोल्जर हो करके एक सोए हुए किंग को मारा. सो ये चीज उसको हमेशा परेशान करती है, उसको रेस्टलेस बना देता है. ही किल्स द इनोसेंट किंग टू बी द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और इसलिए मारता है ताकि वो न्यू किंग बन जाए स्कॉटलैंड. बट आफ्टर किलिंग द स्लीपिंग एल्डरली फादरली किंग ही बिकम्स रेस्टलेस. सो वो बेचैन हो जाता है, मर्डर तो कर देता है लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से बेचैन हो जाता है. दिस इंसिडेंट मेक्स मैकबेथ पेक्यूलर एंड सेंसिटिव इन द डेप्थ ऑफ सोलेमनिटी. सो वो समझिए कि उसको एकदम से अकेला बना देता है ये चीज. उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके माइंड में कि वो कैसे ये चीज कर दिया. एंड ही रिपेंट्स फॉर द किलिंग द किंग, और वो बार बार पछताता रहता है अंदर ही अंदर कि वो उसको क्यों मारा, किंग डंकन को क्यों मारा. नेक्स्ट, डंकन्स मर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ मर्डर. जब आप इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे थॉमस डी क्विंसी कंपेयर कर रहे हैं किंग डंकन्स के मर्डर का अदर जो मर्डर्स हुए थे उससे. सो ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ द मर्डर व्हिच टेक्स प्लेसेस इन 1812 एट रैटक्लिफ हाईवे इन द ईस्ट लंदन वेयर इन एन इनोसेंट पर्सन मास इज मर्डर. बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं थॉमस डिकन्सी की 1812 में रैटक्लिफ हाईवे पे ईस्ट लंदन में एक मर्डर हुआ था जो भी इनोसेंट पर्सन का, जिनका नाम मास था. एंड मास एंड हिज फैमिली हैड नो क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड कनेक्शन. और मास का जो मर्डर हुआ था या फिर उनके फैमिली का, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड और कनेक्शन नहीं था. इन बोथ केसेज द इनोसेंट वेर मर्डर बट द इम्पैक्ट एंड रिजल्ट ऑफ किंग डंकन्स मर्डर इज डीपर दैन द मर्डर ऑफ एट रैटक्लिफ हाईवे. सो एक मर्डर का एग्जाम्पल देख करके ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि दोनों भी सिचुएशन में इनोसेंट ही मारे गए, बट जो इम्पैक्ट था उसको वो हाईलाइट करना चाहते हैं डुकेन से कि जो इम्पैक्ट था किंग डंकन का मर्डर का वो ज्यादा था रैटक्लिफ हाईवे पे जो मर्डर हुआ उससे. नेक्स्ट, डायलॉग एंड सोलिलोक्वीज इन मैकबेथ. द क्रिटिक प्रेजेस शेक्सपियर फॉर द डायलॉग एंड सोलिलोक्वीज ऑफ द प्ले. सो जो भी डायलॉग है मर्डर जो सीन होता है उससे पहले फिर उसके बाद वो बिल्कुल डिफरेंट है. विलियम शेक्सपियर काफ़ी डिफरेंटली लिखे हैं. द मोस्ट रिमार्केबल सोलिलोक्वी ऑफ द प्ले इज स्लिप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लिप. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सो ये चीज़ हमेशा उसके माइंड में भी चलता रहता है और उसको लगता रहता है कि कोई कह रहा है स्लिप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लिप. सो मैकबेथ एक सोए हुए लोग मतलब राजा को मारा है, इसलिए मैकबेथ भी कभी सो नहीं पाएगा. इस टाइप से वो सोलिलोक्वी हमेशा गूंजता रहता है. एंड इट प्रेजेंट्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन मैकबेथ. ही वॉज अर्लियर नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड करेज बट ही डज अ कॉवर्डिस एक्ट ऑफ किलिंग द किंग. सो अर्लियर वो तो ब्रेव जनरल था स्कॉटलैंड का, और वो कैसे एक ब्रेव और करेज होते हुए भी एक कैसे कॉवर्डिस वाला एक्ट किया है कि वो एक सोए हुए किंग को मारा है.
नेक्स्ट जो पॉइंट है मर्डर एंड मर्डर शुड बी इंसल्टेड अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक किंग डंकन मर्डर एंड मर्डरर्स मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ शुड बी इंसल्टेड इट इज नोन टू ऑल दैट मैकबेथ वाज द मोस्ट फेवरेट जनरल ऑफ किंग डंकन द लिबरल किंग कम्स टू सी मैकबेथ एज हिज गेस्ट बट ऑन द अदर हैंड मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्लान टू किल द किंग फॉर देयर ओवर एम्बिशियस प्लान टू बी द नेक्स्ट किंग एंड क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड सो जो मर्डर हुआ किंग डंकन का तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक उसको भी इंसल्ट होना चाहिए और जो मर्डर था उनका भी इंसल्ट होना चाहिए क्योंकि किंग तो लिबरल किंग है और वो मैकबेथ से मिलने आते हैं एज ए गेस्ट के रूप में मैकबेथ के ही यहाँ उन्हीं के कैस्टल में और किस टाइप से मैकबेथ और लेडी मैकबेथ प्लान करके उनको मार देते हैं अपनी ओवर एम्बिशियस प्लान के द्वारा सो इन दोनों केसेस में कहते हैं कि मर्डर एंड मर्डर शुड बी इंसल्टेड नॉकिंग एट द गेट इज हर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉकिंग एट द गेट इज हर्ड द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किंग्स मर्डर इज परफेक्टली डन बाय द मैकबेथ एंड हिज वाइफ तो जो भी प्लानिंग है और फिर प्लानिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो परफेक्टली तो हो जाता है बट एज सुन एज मैकबेथ स्टैब द स्लीपिंग किंग विद द रेड ब्लडेड नाइफ नॉकिंग एट द गेट इज हर्ड बाय मैकबेथ और जैसे ही वो सोए हुए राजा को मारता है उसके बाद फिर से जो नॉकिंग का साउंड है उसको फिर से सुनाई देता है एंड ही बिकम्स पजल टू लिसन द नॉकिंग साउंड और उसके बाद वो नॉक नॉक का जो साउंड है उसको सुनने के बाद वो पजल्ड होता है रियलाइज दैट समवन हैज वॉच्ड एंड नोटिस्ड हिज क्राइम और उसके बाद मैकबेथ रियलाइज करता है कि वो जब किंग को स्टैबिंग कर रहा था देन कोई उसके क्राइम को नोटिस कर लिया द किलिंग ऑफ द किंग हॉरिफाइज मैकबेथ फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द प्ले अंटिल मैकबेथ किल्स मैकबेथ इन द एंड ऑफ द प्ले सो ये जो साउंड है नॉकिंग एट द डोर नॉक नॉक ये पूरे प्ले में मैकबेथ को परेशान करता है बार बार ये साउंड आता रहता है और ये साउंड तब तक आता रहता है जब तक कि मैकबेथ मैकबेथ को उस प्ले में जब तक कि उस मैकबेथ मैकबेथ को मार नहीं देता तब तक ये साउंड उसको रेगुलरली सुनाई देता रहता है सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग थॉमस डिक्वेंसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ Hope it will be helpful for you. Thank you all.